Hi guys, good morning and welcome back to my another cooking video. Hope you all are doing good and great as well. So आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग बनाने वाले हैं मूंग दाल पैनकेक और मूंग दाल चीला. आप कुछ भी इसको बोल सकते हो. तरीका थोड़ा अलग होगा दोनों चीज़ों का बनाने का, बट होती सेम चीज़ ही है. तो मेरा तो मूंग दाल चीला बहुत फेवरेट है गाइज. मैं शादियों में जाती थी तो मैं सबसे पहले मूंग दाल चीला की स्टॉल्स पे ही जाती थी. अगर आप लोगों का भी ये फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो आज हम बनाने वाले मूंग दाल पैनकेक और मूंग दाल चीला. दोनों ही तरीके से मैं आपको बता दूंगी. मूंग दाल चीला जो होता है उसके सेंटर में हम लोग स्टफिंग फिल करते हैं पनीर की या वेजिटेबल्स की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. और जो पैनकेक होता है, पैनकेक में हम लोग क्या करते हैं कि वो एक छोटा सा पैनकेक टाइप बनाते हैं और उसके ऊपर वेजीज को स्प्रेड कर देते हैं या हम डाल देते हैं. तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है. चीज़ दोनों एक ही होती है, बन सिमिलर चीज़ से रही है, वेजीज सिमिलर यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर बैटर भी सिमिलर यूज़ हो रहा है. तो चलो आज फटाफट से इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं. बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलेगा. तो चलो फटाफट से इन्ग्रीडियंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सो यहाँ पे गाइस मैंने 4 घंटे के लिए धुली हुई मूंग की दाल को मैंने भिगा के रखा हुआ था सोक करके. अब फटाफट से हमें इसका पेस्ट बना लेना है. पेस्ट कैसा बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो यहाँ पे इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने दाल ले ली है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी धुली हुई, और उसके अंदर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज को इस तरीके से रफली तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है. आप अपने हिसाब से डालना जितना तीखा आप खाना चाहते हो, इससे एक अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है. और हरी मिर्च के साथ ही मैं मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबलस्पून दही के. और दही मैंने गाढ़ा वाला यूज़ किया है, जो एकदम क्रीमी वाला दही आता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है. सो ये हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी. आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, मीडियम कंसिस्टेंसी में मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, बैटर बनाया हुआ है. अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे. बता देती हूँ क्या क्या मसाले जाएंगे इसके अंदर. ज़रा सा जाएगा इसके अंदर हींग पाउडर, ज़रा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, ज़रा सा डालेंगे बिल्कुल रेड चिल्ली पाउडर क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्च हमने डाली हुई है पेस्ट में, हल्का सा हम ऐड कर देंगे गरम मसाला. दैट्स इट, इतना ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे. इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से. इसको इस तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए रेस्ट मोड पर छोड़ देंगे, ठीक है. और हम अपना आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप गाइस हमें क्या करना है, बैटर ही हमारा रेडी है. तो सबसे पहले हम बैटर के अंदर भी मिला देते हैं नमक. नमक ज़रा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम जो स्टफिंग बनाने वाले हैं उसके अंदर भी नमक जाने वाला है, तो स्वाद के हिसाब से ही नमक आप ऐड करना. तो इसमें भी मैंने नमक ऐड कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ स्टफिंग बनाने के लिए मैंने चॉप्ड करे हुए प्याज ले लिए हैं, हरे प्याज, ठीक है. चॉप करा हुआ हरा कैप्सिकम ले लिया है मैंने, चॉप करा हुआ ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है यहाँ पे, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं. आप वेजिटेबल्स चाहो तो कैरेट, या फिर आप पनीर चाहो तो पनीर और टमेटोज़, आप ये सब भी ऐड कर सकते हो. मैंने नहीं डाला है ये सब. मैंने प्याज कैप्सिकम और हरा धनिया एक बोल के अंदर कर लिया है ट्रांसफ़र. नाउ स्टफिंग के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ हमें डाल देनी है. सबसे पहले हम ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक. नमक पैटर्न में भी डाला है तो कम डालूंगी नमक. उसके साथ मैं ऐड कर दे रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स क्योंकि मैंने मिर्च का यूज़ कहीं भी नहीं किया है, सिर्फ बैटर में ही डाली हुई है. साथ में मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी सीजनिंग, मिक्सड हर्ब सीजनिंग यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर. इसको अच्छे से हाथों की मदद से कर लेना है मिक्स. आप चाहो तो इसके अंदर कैचअप या फिर पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस कुछ भी अगर आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो. मैं इसको देसी रखना चाहती हूँ तो मैं कुछ भी इसके अंदर ज़्यादा तामझाम ऐड नहीं कर रही हूँ. तो ये सिंपली मेरी सिंपल सी स्टफिंग मैंने कर ली है रेडी, ठीक है. सो ये मेरी स्टफिंग हो चुकी है डन एज यू कैन सी. और ये मेरा बैटर जिसमें मैंने नमक मिलाया था, इसको भी एक बार अच्छे से कर देना है स्टर.
जिससे कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलो अब फटाफट से हम बढ़ते हैं हमारे पैनकेक और चीला बनाने की तरफ। सो यहाँ पे हल्का सा ऑयल तवे पे डाल के मैं एक बार टिश्यू पेपर से तवे को थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमें अच्छे से बैटर को फैला देना है, पतला मोटा जैसा चीला आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा पतला बनाना है, थिन बनाना है, तो आप इसको थोड़ा सा आप पानी डाल के पतला कर लीजिएगा। मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी में लिया हुआ है, पहाड़ सा बन गया है, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां फिल करूंगी, तो फिर अगर आप पतला बनाएंगे तो वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। साइड में हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे। नॉन स्टिक तवा वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तो चिपकने का कोई झंझट नहीं है इसमें। अच्छे से जब तक साइडर्स अपने आप उठ ना जाए तब तक हमें इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है। सो अब हमें इसे पलटना है एंड एज यू गाइस कैन सी कि साइडर्स अपने आप उठने लग गए हैं। इट मीन्स कि ये कुक हो गया है वन साइडेड। हल्का सा इस पे ऑयल में और डाल दे रही हूँ इसको फ्लिप करने के लिए। अब हम इसको पलट देंगे एंड सी ये हमारा वन साइडेड अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल हम स्प्रेड कर लेंगे, बहुत ज़रा ज़रा सा यूज़ करना है। जब ये थोड़ा क्रिस्पी होने लगेगा फिर हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग फिल कर लेंगे। सो अब इसके अंदर हम सेंटर में स्टफिंग को फिल करेंगे। फ्लेम को स्लो रखना है आपको। गाइज एक्चुअल में ना मैं अगर वैसा वाला यूज़ करती हूँ ना स्टील वाला तो आप लोग बोलोगे कि नॉन स्टिक पे आप यूज़ कर रहे हो, बट इनसे फ्लिप हो नहीं पाता है उससे। सो इस तरीके से इसको हमें दोनों तरफ से करना है कवर, मतलब एक तरीके से पैक करना है इसे। पहले एक साइड से अच्छे से कर लेंगे। सो यहाँ पे अब हमें इस दूसरी तरफ से भी मैं इसको कर दूंगी कवर। और मैं ये स्पून वुडन स्पून इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक है और नॉन स्टिक पे हमें अवॉइड करना चाहिए स्टील वगैरह कोई भी यूज़ करने के लिए, स्पून या फिर कुछ भी चीज़। सो गाइज ये हमारा फर्स्ट बिल्कुल शादी स्टाइल वाला बन के रैप वाला हो चुका है रेडी। इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको पैनकेक वाला एक बार बना के बता देती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। एकदम क्रिस्पी हो चुका है सी, कुछ इस तरीके से ये हो गया है। सो अब मैं आपको स्मॉल वाले बना के बता देती हूँ कि मैं स्मॉल वाले कैसे बनाती हूँ। तो थोड़ा सा बैटर लेके स्प्रेड कर लेना इस तरीके से। एक और बना लेती हूँ यहाँ पे। और साइडर्स में हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसी स्टेज पे हमें हमारी जो भी वेजीज हैं वो हमें स्प्रेड कर देनी है। स्लो फ्लेम पे ही आप कुकिंग करना।
That's it. अब इसको हमें हल्का हल्का साइड से एक बार चेक कर लेते हैं, अभी हुआ नहीं है, होने देते हैं इसको कुक. सो इसे अब हम कर लेते हैं फ्लिप. वन साइडेड हमारा कुक हो गया है. अरे भैया, सो यहाँ पे अब हम इसको कर लेंगे फ्लिप. बड़ा केयरफुली हमें फ्लिप करना है क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से उस पर भी कुक नहीं हुई है, तो वो उस पर चिपकी नहीं है. आप जब उसको फ्लिप करके दूसरी साइड से कुक करेंगे, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, तो वो अच्छे से उस पर पेस्ट हो जाएंगी. अब हम इसे दूसरी साइड से भी कम से कम 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे. हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर भी ऑयल कर देंगे स्प्रेड, बहुत ज़रा ज़रा सा लगा रही हूँ जिससे कि ड्राइनेस ना रहे. हाँ, आप चाहो तो आप सर्व करते टाइम इसके ऊपर ब्रेड वगैरह, वो ब्रेड कह रही हूँ, बटर वगैरह आप थोड़ा सा स्प्रेड इसके ऊपर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ सर्विंग के टाइम पे. इसको अच्छे से कुक कर लेना है हमें, जैसे कि वेजीज अच्छे से प्रॉपरली पेस्ट हो जाए इस पर. तो फाइनली अब हम इसे कर लेंगे फ्लिप. फ्लिप करके कुछ ऐसा ही दिखाई देगा. सी हाउ टेम्पटिंग इट्स लुकिंग. आप देख सकते हो कि वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से कुक होके उस पर बिल्कुल चिपक चुकी हैं, और कितना सुंदर सुंदर सा उस पर कलर मिल रहा है, दिख रहा है. और मैंने जैसे बताया था कि आप और भी इसके अंदर वेजीज ऐड कर सकते हो. सो गाइज, ये वाले भी मेरे स्मॉल पैनकेक्स भी हो चुके हैं रेडी. एज यू कैन सी क्रिस्पी हो चुके हैं. तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और आपको फाइनल प्लेटिंग पे मिलती हूँ. सो ये गाइज मेरे डिलीशियस सी मूंग दाल के पैनकेक्स और चीला बन के हो चुके हैं रेडी. ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये वो था जो स्टफिंग वाला हमने बनाया था, और ये वाले वो पैनकेक वाले हैं जो मेरा स्टाइल है, जो जैसे मैं बना के खाती हूँ. और ये बिल्कुल शादी वाला है गाइज, जैसे शादियों में मिलता है ना. बस फ़र्क इतना है कि मैंने पनीर नहीं भरा. आप चाहो तो पनीर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और भी ढेर सारी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो. इसको मैंने सर्व किया है धनिया और पुदीना की चटनी के साथ में. और ये वाले देखिए गाइस, इस पर मैंने आपको बोला था ना कि वेजिटेबल का जो क्रंच है इस पर अलग ही नज़र आता है. आप देख सकते हो प्याज, कैप्सिकम, धनिया, और अगर आप कैरेट्स वगैरह भी डाल लेते हो तो और भी इस पर सुंदर सुंदर से कलर्स आ जाते हैं. सो ये मेरी सिंपल सी आज ब्रेकफास्ट की रेसिपी थी, जिसको आप एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो, एज अ ब्रेकफास्ट भी खा सकते हो, और इंस्टेंट भी है. अगर आपके पास में दाल आपके पास है तो ये आपके लिए सबसे हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको ऐड ऑन करना चाहते हो. जैसे कि आपने देखा कि हमने ऑयल का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया है, बहुत हल्का इसके अंदर यूज़ किया है. तो इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन. सो अगर आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऑलरेडी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.